हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इन साइनस प्रो बायोलॉजी एंड सॉरी फॉर डिले बिकॉज हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, बट हाँ अब आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलेगा इस चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले आईआईटी एग्जाम 11 to 20। अभी तक हम लोगों ने 1 to 10 क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखा है, बाकी मैंने आपको आईआईटी एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है उसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द G1 चेकपॉइंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल डिवीजन इज इनकरेक्ट। ध्यान देना है आपको, क्या बताना है G1 चेकपॉइंट के लिए इनकरेक्ट कौन सा है। चलो G1 चेकपॉइंट के से पहले तो हम सेल साइकिल को ध्यान से देखें। अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल में आपका 2 फेज होता है। सेल साइकिल में 2 फेज होता है, एक को बोलते हैं इंटरफेज और दूसरे को बोलते हैं हम माइटोटिक फेज, जिसे आई फेज और एम फेज दोनों बोलते हैं। अगर हम आई फेज की बात करेंगे तो इसके अंदर 3 होता है, जिसे हम गैप 1, दूसरे को हम एस फेज सिंथेसिस फेज और तीसरे को हम गैप 2 फेज कहते हैं। तो कुछ कहानी इस तरह से चलती है, गैप 1, गैप 1 के बाद आपका एस में जाएगा, एस में जाने के बाद G2 में जाएगा और G2 में जाने के बाद यह एम फेज में चला जाता है। ये साइकिल चलती है। अब यहां पे आपको समझना है कि बात हो रही है इस G1 फेज में एक चेक पॉइंट होता है। क्या होता है बगा? क्या होता है चेक पॉइंट? चेक पॉइंट क्या होता है? देखो जैसे रास्ते पे जो ट्रैफिक सिग्नल होती है उस तरह से यहां पे क्या होता है, रुक रुक के सेल आगे जाता है। अब G1 चेक पॉइंट जो है, आपको पता हो कि G1 का मेन काम क्या है। देखो G1 जो गैप 1 है, कोई भी सेल जो है, मान लो कि कोई सेल है, यह सेल G1 फेज में इंटर तब करेगा जब इस ये फेज मतलब ये जो सेल है ये कंप्लीटली डिटरमाइंड हो जाए कि इसको डिवीजन में जाना है। क्या मैंने कहा, ये सेल इस साइकिल में इंटर करेगा जब ये कंप्लीटली डिटरमाइन हो जाए कि इसको इसमें जाना है। सेल साइकिल में जो आपका यहाँ पे जो डिवीजन है, सेल साइकिल की जो बात होती है, उस सेल साइकिल की सबसे खास बात है दैट इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है कि इससे जो है हमारा सेल साइकिल से मियोटिक डिवीजन और जो माइटोटिक डिवीजन होती है, इन दोनों डिवीजन से हमारे गैमीट्स भी बनते हैं और ग्रोथ भी होता है। गैमीट बनते हैं तो मियोटिक डिवीजन हो जाता है और जब आपका ग्रोथ होता है, जब सेल डिवाइड होकर 2n से 2n बनता है तो वो आपका मियोटिक की जगह माइटोटिक होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, एक तो रिप्रोडक्शन में भी यूज हो रहा, एक ग्रोथ में यूज हो रहा, बट दोनों फेज में यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आपका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वह फेवरेबल है या नहीं। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं होगा तो यह G0 फेज में सेल चला जाएगा, याद रखिएगा। मतलब अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सही नहीं होगा तो वो G0 फेज में चला जाएगा। मतलब इस G1 चेक पॉइंट पे आपका सबसे पहला बात होता है कि हम इन्वायरमेंटल एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को चेक करते हैं कि वह हमारे फेवर में है या नहीं। दूसरा जो एस फेज है, इसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, जहाँ पे DNA का रिप्लिकेशन होता है। तो DNA का रिप्लिकेशन होने से पहले, इस सेल को इस फेज में जाने से पहले G1 चेक पॉइंट पे ये चेक किया जाता है कि DNA में डैमेज तो नहीं है, डैमेज चेक किया जाता है। और अगर DNA में डैमेज नहीं है
तो सेल को आगे की तरफ भेजा जाएगा अगर यहाँ पे डीएनए में डैमेज है। दो कंडीशन है, एक है कि नो, अगर नहीं है डीएनए में डैमेज तो यह एस फेज में इंटर कर जाएगा, इंटर इनटू एस फेज। अगर यहां पे डीएनए में डैमेज है यस, तो यह यहीं पे रिपेयर करा जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे यहां पे जी वन फेज में रिपेयर भी करा जाता है। ध्यान दे दो का क्या हो रहा है यहां पे, यहां पे हो रहा है कि जीवन जो चेक पॉइंट है यह चेक करता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है या नहीं। सबसे पहला, अगर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है मतलब सेल को सेल साइकिल में जाना चाहिए और उसको अपना आगे का काम करना चाहिए। अब एस फेज सिंथेसिस फेज है, तो इस फेज में, एस फेज जो सिंथेसिस फेज है, इस फेज में जाने से पहले यह चेक किया जाता है कि डीएनए डैमेज तो नहीं है। अगर डीएनए डैमेज है तो उसे रिपेयर करा जाता है, अगर नहीं है तो उसे आगे इस फेज में भेज दिया जाता है। तो अब देखो कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला दिया है सेल एश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फेवरेबल एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, भाई जीवन फेज ये करता है तो ये तो सही है। दूसरा है सेल एश्योर्स द डीएनए हैज नो डैमेज, करेक्ट, ये यहाँ पे डैमेज चेक करता है, अगर डैमेज है तो वो आगे नहीं जाने देता है, तो दैट इज ऑल्सो द करेक्ट, दैट इज ऑफ वर्क ऑफ जीवन चेक पॉइंट। सेल एश्योर्स द डैमेज्ड डीएनए आर डायरेक्टेड फॉर द रिपेयर मैकेनिज्म, करेक्ट, ये रिपेयर भी एस वन में ही करा जाता है। यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट रिप्लीकेशन ऑफ द डीएनए, यह जो है एस फेज का काम है, याद रखिएगा ये जो है यह एस फेज का काम है, जी वन चेक पॉइंट का काम नहीं है, और यही जो है यहाँ पे गलत है, यही यहाँ पे गलत है। चलो ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन काफी मजेदार और इजी क्वेश्चन है, अगर आपने इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी है या फिर सेल कम्युनिकेशन आपने पढ़ा है। यहाँ पे पूछा है डिटरमाइन द करेक्टनेस एंड अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग assertion and the reason। ध्यान से पढ़ना, assertion क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे हम NO बोलते हैं, NO is involved in the transient paracrine and autocrine signaling। चलो हम पहले आपको autocrine और paracrine signaling बता दें, और एक तीसरा होता है endocrine, उसको भी थोड़ा हम explain करते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि कोई दो सेल है, यह है एक सेल ए, ठीक है, पहले हम इसी सेल की बात करते हैं, यह है सेल ए, और सेल ए एक सबस्टेंस रिलीज कर रहा है, यह एक मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है, लेकिन यही सेल जो कि ए है, इसी के ऊपर एक रिसेप्टर है, किसका, इसके लिए, ये क्या हमारा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ए, मान लो कि यह है मॉलिक्यूल ए, और ये जो मैंने बनाया है यह है रिसेप्टर फॉर मॉलिक्यूल ए। ए सेल, इसको पी सेल कर लो, पी सेल के जो है एक मॉलिक्यूल ए रिलीज कर रहा है, और वह मॉलिक्यूल का रिसेप्टर उसी सेल के ऊपर है, तो ऐसे सिग्नलिंग को हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ध्यान देना यहां पे तो सोर्स एंड टारगेट दोनों एक ही सेल है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या है, सोर्स एंड टारगेट दोनों एक ही सेल है। अब हम दूसरी सेल की बात करते हैं, कोई सेल पी है, इस सेल को बात करनी है अपने बगल वाले सेल से। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक सेल है जो कि क्यू है, इस P को बात करनी है किसके साथ, Q के साथ, तो P जो है एक मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है, ठीक, और इस मॉलिक्यूल जो रिलीज कर रहा है दैट इज A, और इसका रिसेप्टर जो है ये Q के पास है, जो कि Q के पास है इसका रिसेप्टर,
बट कंडीशन है कि ए और बी एक दूसरे से काफ़ी करीब है, मतलब इनके बीच का ए और बी का जो डिस्टेंस है क्या है, बहुत कम है, लेस है। ऐसे सिग्नलिंग जिसका में जो एक सेल है जो अपने बगल वाले सेल के साथ वार्तालाप करती है, कम्युनिकेशन करती है, ऐसे सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, PARACRI यानी पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब एक सेल, हम एक बात और आपको समझाए, एक कोई देखो इस कंडीशन में ये है सोर्स, ए का सोर्स है, बट ए का टारगेट कौन सा है, क्यू, और टारगेट और सोर्स के बीच का डिस्टेंस काफी कम है। अब एक और कंडीशन कहते हैं, ये आपका पी है जो कि सोर्स है, और ये मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है एक ए, बट जो इसका टारगेट है वो इससे काफी दूर इस पॉइंट पे है, क्यू, इसका रिसेप्टर इसके पास है। यहां पे जो टारगेट है इनके बीच का जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा है। जब ऐसा कंडीशन होता है जिसमें सोर्स और टारगेट के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो इस कंडीशन में यह जो मॉलिक्यूल है, यह जो मॉलिक्यूल है ये डायरेक्ट ब्लड में वेसल में पोर कर दिया जाता है, ये वेसल में छोड़ा जाता है ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में, एक ऑर्गन से दूसरे, मतलब सोर्स से टारगेट की तरफ लिया जाता है, और इन पूरे सिस्टम की स्टडीज को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब चलो मैं एक बात बता पूछू इस पॉइंट पे, अब इस ए को क्यू तक पहुंचना है पी से, तो डेफिनेटली इस ए को ज्यादा देर तक जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि P से Q का डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब ये मॉलिक्यूल जो है इसका मॉलिक्यूल का जो लाइफ टाइम या हाफ लाइफ जो है इसका लाइफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए, या हाफ लाइफ क्या होती है, ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, इस ए मॉलिक्यूल के साथ कुछ तो कोई ना कोई एक कैरियर को ऐड करना पड़ेगा जो इसके स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, मतलब हाफ लाइफ बढ़ाएगा, और ये इसके मूवमेंट में सपोर्ट भी करेगा। इस कंडीशन में जो ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे कैरियर यूज करा है, उसका और ए के साथ रिएक्शन की जो वो रिएक्शन रेट है वो कम होनी चाहिए, या ये कह दो कि इस ए को लाइफ टाइम बढ़ाना है, मतलब लेस रिएक्टिव होनी चाहिए। अगर पता चले हाई रिएक्टिव होगा तो ये यहीं पे रिएक्शन कर जाएगा, ये क्यों तक पहुंचेगा ही नहीं। तो जब इंडोक्राइन सिग्नलिंग के लिए ये दो फीचर होना चाहिए, तो अब आओ इस वाले कंडीशन में, क्योंकि मॉलिक्यूल को यहीं पर निकलना है और यहीं पे इसका टारगेट है, जब ये ऐसा है तो इनका जो लाइफ टाइम है, जो हाफ लाइफ है वो कितना होगा, लेस होगा, और लेस लाइफ होगा तो मतलब क्या है कि कितना होगा, फ्यू सेकेंड, यहाँ पे भी मिनट होती है, मतलब मिनट बहुत ज़्यादा तो मिनट जाती है, सेकेंड में भी ये भी रहती है। तो मतलब ये मान लो कि इंडोक्राइन केस में मिनट है, तो पैराक्राइन और ऑटोक्राइन के केस में क्या होगी, हमारा फ्यू सेकेंड होगी, क्योंकि हाफ लाइफ इतना कम है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है, यहां पे ये हाईली रिएक्टिव होंगे, और हाईली रिएक्टिव है और लाइफ टाइम कम है, तो इनके पास कोई वो नहीं है ना, मतलब इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि ये जाएंगे भैया को बोलेंगे कि भाई दरवाजा खोलो मुझे अंदर आना है, ये क्या करेंगे, तुरंत रिलीज होंगे, तुरंत जाएंगे दूसरे सेल के पास। मतलब ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि यहाँ पे रिसेप्टर है, ये कंडीशन ही हो सकता है कि मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, मॉलिक्यूल इंटर अंदर चला गया। सेम मान लो कि यहाँ पे मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा, यहाँ पे इंटर हो रहा, यहाँ पे मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा, यहाँ पे इंटर हो रहा, मतलब क्या है कि यह मेम्ब्रेन से फ्रीली डिफ्यूज होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम लगाना है, समझना क्या है, यहाँ पे टाइम कम लगाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि नॉक नॉक करना जाके कि पी से मॉलिक्यूल ए निकला फिर गया क्यू के पास, नॉक नॉक आई एम कमिंग, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा कि मॉलिक्यूल ए डिफ्यूज हो जाएगा, फ्रीली डिफ्यूजेबल होना चाहिए।
तो ये सब कुछ करेक्टर है कि लाइफ टाइम कम हो, पहला करेक्टर, दूसरा हाईली रिएक्टिव हो और तीसरा डिफ्यूजिबल हो। ये सारे जो करेक्टर जिस भी मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं दैट आर वेरी गुड इन द केस ऑफ पैराक्राइन और ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो असर्शन था वो यही था कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसिएंट पैराक्राइन और ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, दैट इज अ करेक्ट लाइन, बिल्कुल करेक्ट है। तो फॉल्स वाला तो हटा ही दो, ये तो जाएगा, होगा नहीं। फिर अगला है नाइट्रिक ऑक्साइड इज हाईली रिएक्टिव, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि पैराक्राइन और ऑटोक्राइन में यूज हो रहा, लाइफ टाइम ऑफ द फ्यू सेकेंड, करेक्ट, ज्यादा लाइफ टाइम चाहिए ही नहीं क्योंकि तुरंत बगल में काम करना है। एंड एट इट कैन डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट। मतलब क्या है कि असर्शन ए इज ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट रीजन फॉर ए, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है मुझे ऐसा लगता है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जेनेटिक्स का पता है यहाँ पे तभी हो जाएगा। इन अ माइस अ ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय द डोमिनेंट एलील वाई एंड द रिसेसिव एलील स्मॉल वाई, द प्रोपोर्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस इज एक्सपेक्टेड टू बी होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब है कि यही आपको लाना है, ध्यान से देखते हैं। ये कैपिटल वाई इससे जो है आपका गैमीट बनेगा जो कि होगा एक कैपिटल वाई और एक दूसरा गैमीट होगा कैपिटल वाई। सेम इसी तरह क्रॉस कराना है स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से, तो इससे जो गैमीट बनेगा होगा स्मॉल वाई और एक गैमीट बनेगा स्मॉल वाई। पूनेट स्क्वायर बना लीजिए, जैसे ही आप पूनेट स्क्वायर बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरफ जाएगा कैपिटल वाई एक तरफ जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे देखोगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इस पूरे कंडीशन में सभी आपको मिल रहे हैं हेटरोजाइगस ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं, हेटरोजाइगस ऑफ स्प्रिंग मिल रहा है। तो इस कंडीशन में होमोजाइगस डोमिनेंट भी जीरो है और होमोजाइगस रिसेसिव भी जीरो है। तो यहां पे पूछा है कितना परसेंट एक्सपेक्टेड टू, तो जीरो। देखो ये जो क्रॉस है ना ये मेंडल्स का जो लॉ है फर्स्ट, उसका जो प्योर ब्रीडिंग क्रॉस है वही है, टी टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। पहला फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटरोजाइगस कंडीशन आती है जब उसकी सेल्फिंग कराते हैं तो हमारा मिलता है 3:1 में फिनोटाइप और 1:1 में 1:1 में जीनोटाइप, जो कि ये होता है आपका होमोजाइगस कैपिटल टी और ये होता है स्मॉल टी और बीच वाला होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें से टी जो है कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, इसलिए ये दोनों मिलके आपका 3 फिनोटाइप देता है कैपिटल टी का टॉल का और ये होता है आपका शॉर्ट जो कि यहाँ पे चला गया फिनोटाइप में। तो ये मेंडल के ही क्वेश्चन को, मेंडल का जो पहला लाइन था उसको इन्होंने इस तरह से क्वेश्चन बना के दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये केमिस्ट्री से है, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे मैं भी आपको बताता हूं। अगर आपको केमिस्ट्री का थोड़ा भी कंसेप्ट याद हो तो आपको पता होगा कि सोडियम जो है जैसे ही वाटर में हम इसको ऐड करते हैं तो सोडियम Na प्लस और Cl माइनस देता है और जब प्लस और माइनस आपस में मिलते हैं तो एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है और इनके द्वारा बना हुआ फोर्स को हम बोलते हैं, क्योंकि ये आयन के बीच बन रहा है इसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं, मतलब पी जो है वो फोर चला गया। अब पी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखो आर दे रखा है फिर क्यू दे रखा, हम क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू अगर हम क्यू बात करेंगे तो क्यू में हमारा H2 है,
अगर आपको 12th क्लास या 9th क्लास की जो केमिस्ट्री याद हो, तो आपको याद होगा कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, को वैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे Q का आपका 3 होगा, तो P का 4, Q का 3, ठीक है। अब P का 4 और P का 4, Q का 3, P का 4, Q का 3, बाकी ये दोनों हट गया, हटा दो। अब बात करते हैं हम इनका, क्योंकि ये हम करेंगे बट इसको देखते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं, इतना बड़ा कंपाउंड है, इससे आपको पता चल गया होगा कि इसमें कोऑर्डिनेशन होगा। बट अगर मैं इसकी बात करूं सी और सी एल के बीच में, तो आपको पता है कि सी एल पे निगेटिव चार्ज है, तो अगर सी एल पे निगेटिव है, तो चूंकि यहाँ पे जो इसका सी और सी एल का जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो बिल्कुल कम है। अगर कम है तो हम ये बोल सकते हैं, बट है, हम ये बोल सकते हैं कि इसमें फुली निगेटिव तो नहीं, बट पार्शियल निगेटिव चार्ज इस पर आएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा। चूंकि पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड तो आपका पोलर मतलब कोवेलेंट ही होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव के कारण ये इस बॉन्ड में कहीं ना कहीं पोलारिटी आ गई है, तो इसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपका S के अंदर जो है, S में आपका चला जाएगा 2, फिर बचा आपका R, और R में चला जाएगा आपका 1। तो P4 Q3 R1 S2 C is a correct answer। ये काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको इसमें समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर केमिस्ट्री में आपको नहीं भी आता तो आज समझ लो और इस बात को आप याद रखो। यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ प्रोटॉन HA, इसकी बात हो रही है, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टू इट्स 1H NMR स्पेक्ट्रम का अगर हमें स्प्लिटिंग पैटर्न बताना है, तो हमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें एक रूल होता है N+1 रूल, और N+1 में जो ये N है, दैट N होता हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हो एडजेसेंट हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एडजेसेंट हाइड्रोजन। इन केस में क्या हो गया, सेंट हाइड्रोजन। इस केस में देखो, एक एच ये है, एक एच ये है, कितने हैं यहाँ पे N, N इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे रखोगे तो 2+1 इक्वल टू 3, मतलब ये होगा आपका ट्रिपलेट। क्या होगा आपका, यहाँ पे ये हो गया आपका ट्रिपलेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ट्रिपलेट कैसे, तो अभी हम वो आपको बता देते हैं। जो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो स्प्लिट होके रिजोनेंस दिखाएगा और 3 पिक आपका दिखाएगा, और वो जो 3 पिक है रिजोनेंस से जो दिखेगा, वो दिखेगा 1-2-1 में। तो ये हो गया आपका ट्रिपलेट, 1-2-1 में क्या होगा हमारा, स्प्लिट होकर रिजोनेंस दिखाएगा और 3 पिक दिखाएगा, मतलब 3 पिक के बीच में ये रिजोनेंस दिखाएगा, इसलिए आपको ये ट्रिपलेट स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो कि डी। आप इसके साथ जाओगे ज्यादा सही रहेगा, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो, कि N+1 रूल से चले जाओ, N नंबर ऑफ एडजेसेंट हाइड्रोजन कर लो, यहाँ पे 1-2 है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, ये वाला मत जोड़ लेना, सिर्फ हाइड्रोजन, और N मतलब 2+1=3, इजी। चलिए अगला क्वेश्चन पे देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन में ओके, यहाँ पे पूछा है करेक्ट अबाउट द सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। पहला सबसे पहले देखो, लिखा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, डज नॉट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर कंपाउंड। देखो यहाँ पे लिखा है पैसिव ट्रांसपोर्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड डज नॉट फैसिलिटेट द पोलर कंपाउंड,
ये गलत लाइन है, ये गलत लाइन है। यहां पे बात हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का लेना देना होता है, ना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में। क्या मैंने कहा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का लेना देना होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का लेना देना नहीं होता। वो ग्रेडियंट के थ्रू जाता है, तो जब ग्रेडियंट के थ्रू जाता है तो हम एनर्जी की बात करेंगे ही क्यों? देखो, द डायरेक्शन इन विच अ चार्ज सॉल्यूट टेंड्स टू मूव स्पॉन्टेनियसली अक्रॉस द मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड। अभी मैंने कहा ना, इस वाले कंडीशन में डज डिपेंड, मतलब इसमें क्या होना चाहिए लाइन? द डायरेक्शन इन विच द चार्ज सॉल्यूट टेंड्स टू मूव स्पॉन्टेनियसली अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ये लाइन सही होगा। बट इन्होंने यूज किया डज नॉट, इसलिए ये भी गलत है। ऑल एबीसी ट्रांसपोर्टर डू नॉट हैव, नहीं हैव द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन NBD, तो ये भी यहाँ पे गलत है। पी टाइप ATPase गेट रिवर्सिबली फास्फोराइलेटेड एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट साइकिल, ये बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज अ रीजन कि यहाँ पे पी लिखा होता है, क्योंकि ये फास्फोराइलेट और डी फास्फोराइलेट होकर ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट साइकिल को कंट्रोल करते हैं। एक बार ये फास्फोराइलेट होता है, एक तरफ जाता है, फिर दूसरे तरफ जाके डीफास्फोराइट होता है, फिर वापस आके फास्फोराइट होता है, डीफास्फोराइट होता है, फास्फोराइट डीफास्फोराइट, मतलब ये फास्फोराइलेशन और डीफास्फोराइलेशन की ट्रांसपोर्ट साइकिल में चलता रहता है। और यही लाइन यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सब गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि आपको क्या बताना है, एंजाइम, एंजाइम इन्वॉल्व इन द ग्रुप टू। ग्रुप वन में यहाँ पे प्रोसेस दिया है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म दिया है, और ग्रुप टू में आपका एंजाइम दिया है। बस अब आपको यहाँ पे मैं ये कह मान के चलता कि आपको याद तो करना पड़ेगा। यह एक ऐसा पार्ट है माइक्रो उसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जो कि डेफिनेटली थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं, काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये, मैं ये मान के चलता हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहला है, इन्होंने दिया है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। तो आप दो तरीके से जा सकते हो, या आप एंजाइम से ग्रुप वन में जाओ। एंजाइम से अगर जाओगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है? डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ये नाम आप कभी भी सुनना तो याद रखना कि दे रिमूव रिमूव द डैमेज्ड बेस। ये हमारा क्या करता है? रिमूव करता है डैमेज्ड बेस को। किसको करता है? रिमूव करता है बेस को। किसको रिमूव करा? बेस को। कहां पे है? यहां पे, इसमें देखो, बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, क्यू जाएगा आपका ए के साथ, तो यहां लिख दो क्यू ए के साथ, कोई दिक्कत? अब अगर क्यू हम ए के साथ भेज रहे हैं तो हमारे पास दो प्रॉब्लम आ रहा है, और नहीं, तीन प्रॉब्लम आ रहा है। इसको सिर्फ रिमूव हम कर पा रहे हैं, बाकी हमारे पास तीन ऑप्शन और हैं। मिसमैच रिपेयर सिस्टम जो है, इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो होती है म्यूट एल, म्यूट एस, म्यूट एच एंड डीएनए हेलिकेज सेकेंड। म्यूट यू एंड UVRD मीन्स म्यूट एल, म्यूट एस, म्यूट एच, ये जो आपका तीनों हैं ये आपका जाएगा P4 मिसमैच रिपेयर सिस्टम। आप ये सर्च करो गूगल पे, आपका एक फ्लो चार्ट टाइप का खुलेगा, उसमें देख लो कौन कौन से एंजाइम है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम जो है, इसके अंदर जाता है UVRA, UVRB, UVRC, UVRD, यूवी रेडिएशन वाला जितने हैं वो न्यूक्लियोटाइड में जाता है। आप इस तरह से याद रखो कि बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में ग्लाइकोसाइलेज जाएगा, मिसमैच में जितना भी मिसमैच है वहाँ पे म्यूट आएगा, और जो न्यूक्लियोटाइड वाले हैं उसमें यूवी आएगा। तो यूवी से रिलेटेड अगर कहीं भी है तो वो आपका मिसमैच न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक सिस्टम में आपका जाएगा आर रैक ए। अगर आपका यहाँ पे पूछ लिया डैट डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम में क्या जाएगा, तो रैक ए मीन्स P4 Q1 R जो है आपका यहाँ पे जा रहा है 2, और
एस जा रहा है थ्री के साथ, तो 4132 4132 ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि टेट्रासाइक्लिन बाइंड्स टू, देखो टेट्रासाइक्लिन एक इनहिबिटर है और यह इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी यह एक यह जो है आपका इनहिबिट करता किसको है, 13S राइबोसोम में जाके ये बाइंड कर जाता है। देखो 13S राइबोसोम का अगर स्ट्रक्चर पता हो तो ये इस तरह से ट्रेडिशनल मैं बात कर रहा हूँ, कोई रिसर्च नया रिसर्च पेपर की मैं बात नहीं कर रहा, ट्रेडिशनल की बात करता हूँ। यह ए साइट होता है, यह पी साइट होता है, यह ई साइट होता है, ये जो टेट्रासाइक्लिन है वो जाके यहाँ पे बाइंड कर जाता है, और जब यहाँ पे बाइंड कर जाएगा तो जो इनकमिंग जो आने वाला आपका है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस जो है टीआरएनए जो है इसको आने ही नहीं देगा, तो अमाइनो एसाइल टीआरएनए के बाइंडिंग को इनहिबिट करेगा कैसे, टेट्रासाइक्लिन खुद जाके इस ए वाले पॉकेट में घुस जाएगा, और ये जो ए वाला पॉकेट है ये किस में होता है, 13S सब यूनिट में, जहाँ पे एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है, जैसा एस साइलेंट है वेडबर्ग यूनिट है। तो टेट्रासाइक्लिन किसको पर्टिकुलर इनहिबिट करता है, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, कैसे इनहिबिट करता है, दे बाइंड टू दी 13S सब यूनिट एंड इनहिबिट द अमाइनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। अगर आपसे 13S सब यूनिट में कहां पे बाइंड करता है तो ए साइट पे बाइंड करता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यहां पे पूछा है सदर्न ब्लॉट। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इस ब्लॉट्स के बारे में बता रखा है कि कहां सा ब्लॉट कौन सा यूज होता है, तो अभी मैं आपको रिवाइज करा दूं। सदर्न ब्लॉट जो है वो डीएनए को आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब डीएनए के लिए, आरएनए के लिए हम नदन ब्लॉट यूज करते हैं, वहीं पे अगर आपका वेस्टर्न ब्लॉट है तो वो प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। होता कैसे है, देखो जो डीएनए होता है हमारे पास, जो सोर्स का डीएनए है उसको हम लेते हैं और उसको सबसे पहले हम उसको फ्रेगमेंट में कट करते हैं, मतलब उसे हम रिस्ट्रक्शन आप देखे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में काट देते हैं, उस फ्रेगमेंट को हम क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं। तो अगर डीएनए फ्रेगमेंट जो है फ्रेगमेंट्स आर, यहाँ पे एक लिख देता हूँ मैं जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि क्या क्या होता है डीनेचर, फ्रेगमेंट्स आर डीनेचर। जब फ्रेगमेंट आपका डीनेचर हो जाएगा तो आप इस फ्रेगमेंट को सेपरेट करोगे, और जो सेपरेट करने का मेथड होता है उसे वो आपका है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप सेपरेट कर दोगे तो सेपरेटेड जो ये बैंड्स आएगा उसको आप ट्रांसफर्ड करोगे, और ट्रांसफर कहां करोगे, ट्रांसफर्ड टू अ नायलॉन मेम्ब्रेन पे आप ट्रांसफर करोगे। जब आप ट्रांसफर कर दोगे नायलॉन मेम्ब्रेन पे, उसके बाद उसको क्या करोगे, अगला प्रोसेस होता है डिटेक्शन, तो हम डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसे प्रोब के साथ इनक्यूबेट करते हैं, मतलब इस कंडीशन में हम स्पेसिफिक प्रोब यूज करते हैं जो कि जाके बाइंड कर जाता है हमारे डिजायर्ड फ्रेगमेंट के साथ, और ये जो प्रोब होता है ये प्रोब यहाँ पे लेबल्ड होता है कौन सा, रेडियो लेबल्ड और क्रोमोजेंस। रेडियो लेवल्ड मतलब बाइंड करके हमें रेडियो सिग्नल देता है, या हमारा कलर चेंज करके सिग्नल देता है, सबस्ट्रेट का कलर चेंज कर देता है। तो इस कंडीशन में पूछा है कि इन द सदर्न ब्लॉट टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज फॉर
यूज टू डिटेक्ट द परसेंस, क्या है हमारा डिटेक्ट द परसेंस। तो डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, डिटेक्शन हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, और हाइब्रिडाइजेशन हम क्या यूज करते हैं, प्रोब यूज करते हैं, प्रोब जो है हमारा रेडियो लेवल या क्रोमोजेनिक होता है। तो यहाँ पे आंसर है आपका डीएनए प्रोब, हम डिटेक्शन में प्रोब यूज करते हैं इन केस ऑफ सदर्न ब्लॉट। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस कंडीशन में दोनों जनरेशन में आपको मिला है, मतलब रिसेसिव होगा नहीं, हटा दो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें एक्स, मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की, तो यहाँ पे अगर हम एक्स लिंक डोमिनेंट करते तो एक्स जो है बच्चे में आता है, इसके केस में डिजीज होना चाहिए था जो कि नहीं है, इसलिए इसको भी हटाओ। अब बच गया आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट। आओ हम चेक कर ले, यहाँ पे दो जो चाइल्ड है ये दोनों हमारे क्या है, नॉर्मल है, मींस इनका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल स्मॉल ए, और इनका जो है स्मॉल स्मॉल ए होगा। तो अगर इन दोनों का स्मॉल ए है, मतलब एक स्मॉल ए यहाँ से आएगा और दूसरा स्मॉल ए यहाँ से आएगा, मीन्स यहाँ पे पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, और इन सब का जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल ए। चूँकि ये हमारा क्या है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसलिए आपको क्या होगा, यहाँ पे जो कैपिटल ए वाला है, जब ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है तो डिजीज्ड जो है, डिजीज्ड कंडीशन कैपिटल ए में भी होती है और कैपिटल ए स्मॉल ए में होती है, और नॉर्मल कंडीशन स्मॉल ए में होती है, डिजीज्ड। यहाँ पे अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पर होगे तो आप ये भी थोड़ा याद रख लो ना कि क्रोनिक हाइपरटेंशन जो होती है यह हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। 100% पेनिटेंस का मतलब है कि जितने के पास भी पॉपुलेशन में, अगर 100 पॉपुलेशन है, या मान लो कि 10 इंडिविजुअल है, और इस 10 इंडिविजुअल के पास जीन है ये वाला, मतलब अगर इस 10 इंडिविजुअल के पास कैपिटल स्मॉल ए जीन है, तो 10ों के 10 इंडिविजुअल आपका डिजीज्ड शो करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेंस, 100% पेनिट्रेंस। यहीं पर अगर 50% पेनिट्रेंस होता तो मतलब अगर 10 इंडिविजुअल है बट इसमें से 5 इंडिविजुअल जो है वो डिजीज शो कर रहा है, 5 इंडिविजुअल शो नहीं कर रहा है। अगर ये 5 इंडिविजुअल डिजीज शो करेगा तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 50% पेनिट्रेंस, क्योंकि टोटल 10 में से 5% पांच ही लोग कर रहे हैं, 50% ही फिनोटाइप को शो कर रहे हैं, बट उनके पास जीनोटाइप है जो कि कैपिटल स्मॉल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आ रहा है और कुछ आपको हटके मिल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका या क्वेश्चन देखने का तरीका, तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को आप शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ। अगर आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, तो आप वहाँ से जाके आप तैयारी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।